सचिन नाम का कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक सवाल पूछा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी ऐसा लगा कि इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों जो एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स, उनकी ज़िंदगी में इस सवाल का जवाब बदलाव लेकर आ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय शाक्य, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है गुलनार। गुलनार लेट्सएक की ग्रोथ कंसल्टेंट है और वो मेरे पास एक सवाल लेकर आई। उन्होंने कहा कि सचिन नाम का कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक सवाल पूछा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी ऐसा लगा कि इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों जो एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स, उनकी ज़िंदगी में इस सवाल का जवाब बदलाव लेकर आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सवाल क्या था। सर, सवाल ये था कि क्या हम बिना एक्टिंग सीखे मुंबई में डायरेक्ट ऑडिशन देने आ सकते हैं? कैसा हो सकता है या नहीं? ओके, गुलनार ने सवाल पूछने की बहुत अच्छी एक्टिंग की है, गुलनार के लिए तालियां। क्योंकि वीडियो बनाने के पहले मैंने बोला कि वीडियो थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, तो गुलनार आप ही सवाल पूछिए, क्योंकि इनका काम होता है फ़ोन पर जानकारी देना, लेकिन आज मैंने उनको मेरे फ्रेम में भी साथ में लेकर आया हूँ। तो गुलनार, अब मान लीजिए आपका भाई है, छोटा भाई है, और वो अगर एक्टिंग करना चाहता है और आप रहती है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस स्टेट से आप है, तो क्या आप उस भाई को डायरेक्ट बगैर सीखे मुंबई भेजोगी? और अगर भेजा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है सर कि जब मुझे जहाँ मेरे भाई को भेजना है फिल्म लाइन में, अगर उसको जाना है, मुंबई शहर ही नया है, कभी गया नहीं, कभी कुछ पता नहीं, तो मैं डायरेक्ट तो कभी उसको जाने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, मुंबई शहर को तो वो जानता नहीं है, वहाँ के लोगों को जानता नहीं है, और पहली बात उसने एक्टिंग भी नहीं सीखी है। वो वहाँ पे किसके पास जाएगा सीखने के लिए या अपने ऑडिशंस के लिए, फिल्म लाइन में जाने के लिए? वहाँ पे कौन कैसा उसको मिल गया, तो ये सारी दिक्कत आएगी। फिर रहने का सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि वो रहेगा कहाँ पे। ओके, ठीक है, देखिए आप जो बता रही है वो भी सही है, लेकिन आपका जो भाई है उसका कहना है कि एक्टिंग कोई सीख नहीं सकता, है ना? एक्टिंग सीखने की बात नहीं है, सीखने की चीज़ नहीं है। मैं पैदाइशी एक्टर हूँ और मैं यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब पे देख देख के मैं एक्टर बन चुका हूँ। तो मैं दीदी मुंबई निकल जाऊँगा और मेरा काम शुरू करूँगा, तो ऐसे में क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊँ? आपको भी बताऊँ? यस, टाइप करो कमेंट में ताकि कमेंट्स बढ़ेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले ऐसे जो लड़के होते हैं जो डायरेक्ट मुंबई आकर काम शुरू करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि मैं रहूँगा कहाँ, फिर इंटरनेट पे सर्च करते हैं, किसी से दोस्ती बना लेते हैं, दोस्ती करते हैं और रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। अंधेरी में अगर आप रहोगे तो पीजी में कम से कम आपको लगेंगे 5,000। अगर विरार, नवी मुंबई, ऐसी छोटी छोटी जगह रहोगे दूर, जो अंधेरी से बहुत दूर है, वहाँ पर रहोगे तो वहाँ पर शायद 2-3 हज़ार पर मंथ में भी काम हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर आप पकड़ लीजिए 5,000 पर मंथ रहने का। ओके, यहाँ के वड़ा पाव भी खाया, समोसा पाव भी खाया, तब भी एक टाइम का 50 रुपये तो लगेगा ही, दिन का 100 रुपये, खाने के 5,000 पकड़ लीजिए। उसके बाद घूमेगा, पैदल थोड़ी ना घूमेगा, तो घूमने के लिए 5,000। और अगर उसको कोई अच्छी आदतें है या शौक है तो उसके 5,000 पकड़ लो, कुल मिलाकर हर महीने उसके कितने खर्च होने वाले हैं, 20,000, राइट? एक साल में उसके खर्च होंगे 2,40,000 रुपये, सिर्फ रहना, खाना, ट्रैवलिंग और एक्स्ट्रा थोड़ा सा 5,000 रुपये अमाउंट। 2,40,000 रुपये खर्च करेगा एक साल में। उसके बाद सबसे पहली एक्शन वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा प्रोडक्शन हाउस के नाम नंबर, वो कास्टिंग डायरेक्टर को ढूंढेगा, उनके नाम नंबर, वो कुछ ऐसे दोस्त बनाएगा जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, और इतना सारा होमवर्क होने के बाद वो सीधा पहुंचेगा ऑडिशन रूम में, जहाँ पर ऑडिशन हो रहे हैं उस जगह पर जाएगा। अब मान लो खली के साथ फाइट है और ऐसा देसी लुक का पहलवान भेज दिया, तो खली उसकी क्या हालत करेगा, तोड़ देगा खली। वही हालत उसकी भी बेचारे की हो जाती है। ऑडिशन में जाने के बाद वो देखता है, बाप रे कितने सारे एक्टर्स आए हैं, बहुत अच्छे दिखने वाले, कुछ मेरे से ख़राब दिखने वाले, कुछ अच्छे दिखने वाले, और जाके कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है, हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, इंट्रो कैसे देना है पता नहीं, ऑडिशन कैसे देना है पता नहीं, स्क्रिप्ट याद करनी कैसी है पता नहीं, लेकिन एक बात उसमें है, और वो क्या है, कि वो इसको एक्टिंग आती है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है अपने में। मुंबई जाएंगे, शाहरुख खान भी तो ऐसे आया था, नवाज भाई भी तो ऐसे आए थे, वो भी तो बने, मैं क्यों नहीं बन सकता, कॉन्फिडेंस लेके आता है। माय डियर फ्रेंड्स, समझो कॉन्फिडेंस अलग है और टेक्निक्स अलग है।
ट्रेंड एक्टर को टेक्निक पता होती है, कैसे बात करना है, कैसे स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करना है, उसका ऑडिशन और जो बिगिनर है जिसने कुछ सीखा नहीं है उसका ऑडिशन ज़मीन आसमान का फर्क आता है। अब कास्टिंग डायरेक्टर उल्लू तो है नहीं, दिन भर ऑडिशन ही लेने का काम करते, दिन भर यही जज करते हैं कि कौन अच्छा एक्टर है कौन खराब एक्टर है, तो वो देखते ही समझ जाते हैं कि नर्वस से बंदा नया है और बोलते जाओ। जाने के बाद वो क्या करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 ऑडिशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी दौरान उसको समझ में आता है कि मैंने सीखना चाहिए, मैंने अपने आप को तैयार करना चाहिए था, लेकिन पैसे तो भैया मैं खर्च नहीं करूँगा क्योंकि कोई एक्टिंग किसी को सिखा नहीं सकता। फिर वो क्या करता है, ऑडिशन में जो मिले ना दोस्त, ऐसे 10 दोस्तों को पूछना शुरू करता है कि ये इंट्रो कैसे देते हैं, ये ऑडिशन कैसे देते हैं, ये स्क्रिप्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये मेथड एक्टिंग क्या होती है, ये कैमरा एंगल क्या होते हैं, कैमरा शॉट क्या होते हैं, अच्छा ऐसे कैरेक्टर में जाते हैं। फिर उसके उसकी हालत क्या होती है पता है, एक बीमार और 10 डॉक्टर, वो सारे 10 एक्टर उसके टीचर बन जाते हैं, जो खुद भी काम ढूंढ रहे हैं वो सब उसको गाइड करना शुरू कर देते हैं। कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है ये सही है, कोई बोलता है वो सही है। ऐसी हालत में उस बीमार पेशेंट की क्या हालत होगी। एक पेशेंट है जिसका ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंट बोलता है नो छोड़ो मुझे, सलाइन निकाल दो, सब निकाल दो, मैं अभी खुद ही निकल जाता हूँ। बाहर निकलने के बाद क्या हालत होगी उसकी, और कुछ दिन बाद वापस एडमिट होना पड़ेगा और बहुत बुरी हालत होगी। तो इसीलिए वो कन्फ्यूज हो जाता है, और कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में प्रॉपर टेक्निक्स पता ना होने की वजह से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकते रहता है। साल भर में उसकी पहचान बन जाती है, कास्टिंग डायरेक्टर पहचान के हो जाते हैं, प्रोडक्शन हाउस में कौन है पहचान के हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जिस कास्टिंग डायरेक्टर के पास वो पहले गया था, वो कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है भाई कुछ सीख कर आ, और वो उम्मीद करता है कि ये जब अच्छे से तैयार हो जाएगा तब शायद मैं इसको कंसिडर करूँगा, लेकिन अब मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा। इसीलिए उसको एक शौकिया तौर पर काम करने वाला एक्टर कंसिडर किया जाता है, और साल भर में अगर कोई वेल विशर होगा उसका तो उसको 2-4 काम दे देता है, 1-2 दिन का शूट, 2-3 दिन का शूट छोटा मोटा। और वो शूट क्या होते होंगे, एनी गेस, आया था शाहरुख खान बनने, और शूट कौन से मिलते पता है, वेटर, सिक्योरिटी गार्ड, पासिंग वाला रोल, बस में पैसेंजर है बैठा हुआ, ये सारे रोल उसको मिलते। और जो उसने सपने देखे थे वो सपने उसके ही आंखों के सामने चकनाचूर हो जाते और अंदर से वो टूट जाता है, डिप्रेशन में जाता है, फ्रस्ट्रेशन में जाता है, परेशान आत्मा बन जाता है। और आपको पता है एनर्जी अट्रैक्ट एनर्जी, परेशान आत्मा उसको मिलना शुरू हो जाते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलना, उन्हीं लोगों के साथ बातें करना, उन्हीं लोगों के साथ टाइम बिताना। फिर धीरे धीरे कुछ आदतें हैं, सिगरेट, दारू और भी कुछ नशे हैं जो वो करना शुरू कर देता है, और उसके बाद आप जानते हैं कि उसके बाद उसका क्या होता, घर से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि बेटा अब हम पैसे नहीं भेज सकते, और वो भी मना नहीं कर सकता, वो भी फोर्स नहीं कर सकता कि प्लीज़ पैसे भेजो। ऐसी हालत में वो देखता है कि जोमेटो का कोई काम करता हूँ, स्विगी का कोई काम करता हूँ, डिलीवरी बॉय बन जाता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड बन जाता हूँ। और फाइनली जो लड़का एक्टर बनने आया था, जो लड़की एक्टर बनने आई थी, वो इस तरीके से नॉर्मल काम करते करते ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। उसके बाद बैक टू पैवेलियन, अपने गांव में वापस टिकट बुक करते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं, और बोलते बहुत ट्राई किया मैंने लेकिन मेरा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि इंडस्ट्री वैसी नहीं जैसी दिखती है, सब सेलिब्रिटी और बाकी लोगों को ही यहाँ पर काम दिया जाता है, अपना कुछ नहीं होने वाला, और निगेटिव माइंडसेट लेके फिर घर पर अपना पुराना वाला काम शुरू कर देते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अब जो एक्टर ट्रेनिंग लेने के बाद काम शुरू करते हैं उनके साथ क्या होता होगा बताओ। मैं जी सर। अरे ऐसा क्यों, अपने सब्सक्राइबर भी तो नॉलेजेबल है ना, उनको कम क्यों आकरी हो तुम? यस सर। इसका जवाब आप दोगे कि ट्रेनिंग लेने के बाद जो बंदा काम करता है उसकी जिंदगी में क्या यही दिन देखना होता है या कुछ और होता है? मैं आपके जवाब का, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू सो मच सचिन, ये सवाल आपने पूछा जिसकी वजह से इसका जवाब मैं दे पाया, और
कुछ नहीं, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करो ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊँ।